मस्त किस्म के सीख लगे हुए हैं ना, और बड़े मज़े के यार। ऐसे ये शिमला चिकन, ये चिकन बिहारी, ये बिहारी बन रही है इसे, ये लोग बिहारी के। नाउ लेट्स कम। ये आ गई मायोनीज के लिए, मायोनीज के ऊपर ये अब इस पे केचप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। चलिए जी बाहर एंट्रो करता हूँ यार, यहाँ पे आवाज़ बहुत, इको मूड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नाउ वी आर लिविंग टुडे टू द बंस रोड। हमारा आज का व्लॉग होगा कराची के बंस रोड की तरफ, जो कि कराची का फूड स्ट्रीट है और इंतहाई मशहूर है अपने खूबसूरत और लजीज खानों की वजह से। सो इंशाल्लाह आज हम वहाँ पर चलेंगे। आई होप यू विल एंजॉय। अभी उस्मान भाई और उमर भाई चले हुए, देखते हैं वो आते हैं। अबे यार, जब तक उस्मान और उमर आ रहे हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो। कितनी बार आप लोगों से कहना पड़ेगा, लेकिन मजा ले कि 3000 से ऊपर के सब्सक्राइबर चले जाए। यार शेयर करो व्लॉग्स को, लाइक करो इसको, शेयर करो, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक उस्मान और उमर पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं, मैं कैप भी पहन लेता हूँ। अभी तक हम रेडी नहीं थे, बट नाउ आप हमें रेडी कह सकते। चले जी चलते। अभी अभी मैसेज रिसीव हुआ है उस्मान का कि वी आर ऑन द वे, वेयर आर यू। मैंने कहा आ जाओ यार बाहर ही खड़े। और ये लो भाई जी, सामने आ ही गए हमारे दो शहजादे भाई जी, ये यामाहा R1 विद 1000 सीसी। आज हम जाएंगे इंशाल्लाह बंस रोड पे यामाहा R1 पे। सही है, ओ कावासाकी निंजास Z2R, यू नो वेरी वेल देन मी। बंस रोड तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सदर आ गए फिर से वही टिक्का, वही सीख खाने के लिए। शिमला चिकन और सीख कबाब के बाद हमें बहुत पसंद आया, सो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा आए। दिस इज सदर, तैयारी हो रही है बहुत वो। ये जो मस्त किस्म के सीख लगे हुए हैं ना, बड़े मज़े के यार। ये शिमला चिकन, चिकन बिहारी, ये बिहारी बन रही है इसे, ये लोग बिहारी कहते हैं, हम तो इसे फुल लेग कहते हैं। पेशावर में, कराची में इसे चिकन बिहारी कहा जाता है। लेट्स सी आज इसको दोबारा ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा मन था। इसके बाद हम जाएंगे बंस रोड की तरफ इंशाल्लाह। एंड देयर इज आवर चिकन बिहारी। ये नहीं, ये तो चिकन बिहारी नहीं, ऐसे ये शिमला चिकन है। चिकन के टिक्के होते हैं और ये शिमला होता है, इसमें शिमला मिर्च में पकाए जाते हैं। ये जी इनके सीख तो भाव, मैं आपको ये ट्राई करवाता हूँ। यार ये देखो कैसा चिकन बना हुआ है, देखो, यू कैन लुक। गरम, इतना गरम है ना, गरम आगे, लेकिन कितना नरम है, बहुत मज़े का है यार। इसको सॉस में डिप करते। नाउ लेट्स कम। जिसने ये नहीं खाया ना, उसे दुनिया में कुछ नहीं खाया यार। मेरे हिसाब में जिसने ये नहीं खाया ना, ये देखो एक और रोटी, बगैर रोटी के खाओ यार, बस बोटी ऐसी होनी चाहिए। ठीक ठाक किस्म की कराची वालों की मिर्चें है, लेकिन मेरे फेस से आपको पता चल रहा कि कितने मज़े का है यार, मिर्चे की तेल लेने यार, कितने मज़े का। ये है इनके सीख कबाब, ये भी मैं भी आपको ट्राई करवा दूँ। ये देखो अच्छे यार, बुरे नहीं, ये भी डिप इट इन द चटनी, देसी चटनी। नाउ आहा, इट्स टाइम टू ईट। ये भी मजे गए यार, लेकिन ये जो है ना, ये इसकी बात ही कुछ और है। स्वैग देखो, हाथ से ही देखो, दो इंजो से पूरा, इसे ना देखे, ये शिमला है, ये चला हुआ है ना, तो इसे ना देखे। ये देखो, लुक एट दिस, इसको डिप करो और फिर खाओ। वी आर एट द बंस रोड फूड स्ट्रीट। यार ये दरख्त बीच में आ गया था यार, इसे किसने कहा तू यहाँ पे आ जा फूड स्ट्रीट। सो ये आप देख सकते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं, मैं हुदूद में दाखिल हो चुका हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यहां पे पार्किंग यहीं से शुरू हो गई है और शश के आप लोगों को आगे मिलेंगे। जगह है ना, यहां से इस तरफ
पूरे वाइब्स ही बदल जाते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल फुल फूड स्ट्रीट वाले वाइब्स आते हैं। देख लिया भाई जी, तकरीबन आधे से ज़्यादा रोड कवर हो चुका है। यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। लुक एट दिस, इस तरह का फूड स्ट्रीट और इस तरह का माहौल मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा, ना हमारे पेशावर में, ना लाहौर में, ना इस्लामाबाद में। इट इज़ ओनली इन कराची। और यकीन माने बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। आई एम इन्जॉइंग दिस इन्वायरमेंट। सो आपको ये वाइब्स आपको सिर्फ कराची में ही मिलेंगी, कि आधे से ज़्यादा रोड को कवर किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं टेले बिल्कुल रोड के किस हदूद तक आ चुके हैं। या तो यहाँ पे बाइकें, या फिर टेले लगे हुए, या फिर लोग बैठे हुए हैं, या फिर जोकर्स है, या बच्चों के लिए जगह है। ये बर्गर वाला मेरा सबसे फेवरेट है पूरे बंस रोड पर। इधर हम तकरीबन 4-5 दफ़ा आ चुके हैं 2 हफ्तों में। ये हम दोबारा आए हैं और आज हम यहाँ पे खाएंगे बीफ बर्गर। अंकल के पास शामी बर्गर होता है, बीफ होता है, अंडा होता है, जिंगर होता है, सब कुछ। और भाई जी ये आ गए जिंगर सबसे पहले, इसके बाद ही आप जाएंगे बर्गर में। ये हमारा बर्गर रेडी हो गया। बर्गर नाउ इट्स टाइम के इस पे सॉसेस लगे। और ये आ गई मायोनीज के लिए, मायोनीज के ऊपर ये अब इस पे केचप, और केचप के साथ साथ अब इस पे सलाद। ये रही है सामने से सलाद की, इसका बंद गर्म हो रहा है। और ये रहा जी आपका स्पेशल स्पेशल ऑर्डर तैयार है। सिंगर बर्गर इज रेडी टू सर्व बट इट इज फॉर उस्मान। मैं खाऊंगा बीफ। लेट्स कम ऑन भाई जी। ये पहुंच गए हमारे बर्गर बंस रोड के बीफ बर्गर। ये उस्मान का, ये उमर का, और ये रहा जी मेरा। ओए होए ये बर्गर यार कितने मजे का यार। ये भी आप चेक करें, पैटी खूबसूरत नहीं है लेकिन बर्गर बहुत मजेदार है। इंतहाई मजेदार बर्गर है यार। ऊपर से थोड़ा काला काला है लेकिन काला है बस, खूबसूरत है यार। बाद में ये चिप्स आती है, फ्राइज, सलाद, केचप एंड चटनी। लेट्स कम एंड ट्राई द बर्गर हबीबी। ट्राई दिस बर्गर, बर्गर हबीबी। इस बर्गर को खाने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। पहले इसको इस समंदर में गोपे दे दो, क्या मजे का निकल आता है यार। फिर इसके बाद इसको खाओ। ये आ गई जी हमारी चाय। ये प्रेजेंटेशन आप चेक करें, ये रही चाय, कराची की चाय। और किसी को पसंद आए ना आए, मुझे तो बहुत पसंद आ गई है पर्सनली। बहुत हया और इज्जत के साथ चाय पी जा रही है कराची में। One eternity later. Now we are on the way back to our hotel. No, our plate यार, होटल में तो फोर हो गए। कराची की रोडों पे इट्स फोर है कराची। कराची की सड़कें आगे तो बच्ची थे और वाइट थे। चलते चर्च की तरफ। टू ड्राइव कर, ये ओवरटेक Thank you.
कपिल जी फाइनली वी आर एट होम। हमने पूरा रास्ता बहुत इंजॉय किया, बहुत खाया पिया, बहुत घूमे फिरे। ये हमारा वीकेंड था, हफ्ते का दिन था, ये गुजर गया है। सो इंशाल्लाह इसके बाद और इंजॉय करेंगे। यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग जो भी कुछ हम करेंगे इंशाल्लाह। बस अभी के लिए इतना ही काफी है। चलो जी आज के अपने इस व्लॉग को यहीं पे भी एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे इसके बाद फिर दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, हकुना मटाटा। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट।